अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, उम्मीद है आप सारे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज का न्यू व्लॉग होने लगा है स्टार्ट। तो हमारे यहाँ भाई पानी जो है वो आ चुका है, आप देख सकते हो। जो हमारे यहाँ पहले पानी नहीं था, खेतें जो है वो सूख रही थी, अभी जो है वो पानी आ चुका है। हर तरफ देख सकते हो हरियाली हरियाली हो चुकी है, और दूसरी हरियाली जो है वो दूसरे जो लोग हैं आप दिखा रहे हैं उनके लिए हो चुकी है, और उनका जो नहाने का स्टाइल है वो भी आप देख लो। तो भाई ये देख लो इनका जो नहाने का स्टाइल है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये पानी से। तो आप देख सकते हो, और ये अभी छोटी है, नहा नहीं सकती, तो ये तो भाई इनको देख कर बचपन के दिन जो है वो याद तो आ जाते हैं, लेकिन बचपन नहीं आ सकता अभी। तो ये देख सकते हो पानी हमारे यहाँ मतलब बहुत आ चुका है, ये पानी जाने की जगह भी नहीं है यहाँ से, देख सकते हो ये बिल्कुल। मतलब बहुत पानी है, बहुत भाई साहब पानी आने के बाद जो हमारे था हमारा पहले घूमने तक था, हमने एक पानी दिया है, अभी भी देखो इसमें पानी खराब है। पानी देने के बाद बहुत हफ्ते खाने लगा, ये बात बड़ी अच्छी हो गई, तो हमारे घुमन जो बढ़ने लगे हैं, तो ये बात बड़ी हमारे यहाँ बड़ी खुशहाली वाली बात है। तो भाई दूसरी बात ये बता दें कि ये देख सकते हो मतलब। तो भाई हम कंफ्यूज हो गए कि उर्दू में जो हमारे यहाँ सिंधी में इसको सारियाँ कही जाती हैं, और उर्दू में मतलब अंग्रेजी में राइस कहा जाता है। तो ये चावल का खेत, हम चावल का खेत कह सकते हैं। तो ये चावल का खेत जो है वह अभी तैयार हो चुका है। तो भाई दो मिनट सोचकर हमने कहा उर्दू में क्या बोलते हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा था, तो हमने बस बोल दिया जो भी है। तो आप समझ लो कुछ भी है, मतलब जो राइस का खेत है मतलब सारियों का और चावलों का खेत जो है वो भाई तैयार हो चुका है। तो इसको बिल्कुल प्लेन बना दिया गया है इसको, तो ये तैयार होगा तो इस पे चावल लगेंगे, वो जो मशीनें लगाएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं जो दूसरी मतलब एक कॉम्पिटिशन लगा हुआ है वो आपको दिखाएंगे कि ये क्या मतलब खेत का मतलब एक किनारे पे ये इतने मोटे मोटे पेड़ दिख रहे हैं, और एक किनारे पे इतने पतले पतले। तो आप देख सकते हो ये कॉम्पिटिशन मतलब इन दोनों में कॉम्पिटिशन लगा हुआ है, एक किनारे पे ये है, एक पे ये है तो दूसरे पे वो है। चलो ये आगे दूसरे पे, एक ये है तो दूसरे पे वो है, तो ये देख लो तीसरा, तो तीसरा ये है तो तीसरा वो है। तो भाई ये रहा चौथा, इसके बीच में एक इसको क्या बोलते हैं, बेर को उर्दू में क्या बोलते हैं, तो भाई इसको पता नहीं क्या बोलते हैं उर्दू में, हमारे सिंधी में इसको बेर बोलते हैं, अब उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसके भाई इसके बाद ये चौथा है, और चौथा उनके पास वो है, ये मतलब इनसे कुछ मोटा है इन, और उन तीनों से ये एक मोटा है क्योंकि ये पहले लग चुका है। तो भाई इनका कॉम्पिटिशन जो है वो अभी चल रहा है, देखते हैं और कौन बचता है और कौन मरता है, ये अगली साल दिखाएंगे। तो अभी मोहम्मद जुम्मन और हम निकल चुके हैं भाई, तो ये टाइम था एंजॉयमेंट करने का, हमने कहा अभी शाम हो चुकी है, तो बाल हमारे जो है वो फिर से बड़े हो चुके हैं, बहुत दिन हो गए हैं, ईद पे कटाए थे हमने। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई सैलून मतलब बाल कटाने वाले जो दुकान है वो नहीं है, तो हमें रोज नहीं कटवाने पड़ते। तो ये मोहम्मद जुम्मन ने भी कटा के आया, इनके बाल भी कट रहे हैं, तो मैं कभी कभी हमारे यहाँ बाल कटाने का कोई ऐसा कोई बात नहीं है, तो बाल हम कभी कभी जब कोई चाह आ जाती है तो कटवा लेते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही है भाई। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। भाई खेतों से घूम फिर के हम अपने घर पहुंच चुके हैं, तो घर पहुंचने के बाद मैंने एक बात सोची कि हमारा चैनल जो लोग वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो,
ये वीडियो यहीं तक थी, वीडियो करते हैं एंड।